भैया, अब कोई नहीं आएगा, चार बजने वाले हैं, बिल्कुल बेफिक्र होके वॉल्यूम बढ़ाओ। बढ़ा दो भैया, पीले कलर की लीड है उसकी, जो ढोलक के बेस पे माइक लगा हुआ है। बढ़ा दीजिए आप, आप कतई ना डरे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो, मैन माइक देख लीजिए भैया, बंद है, देखो उसको। हेलो, 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 हाँ बढ़ाइए, हेलो, 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 आ गया थोड़ा ढोलक के माइक में जो बेस पे लगा है उसमें थोड़ा बेस डालिए, जो बेस पे लगा है ढोलक के उसमें थोड़ा बेस डाल के देखिए। हाँ, बहुत हल्कापन है उसमें, पीले कलर की लीड है उसमें, देखिए इसी में देखिए। किसी और में नहीं अपने आप की कमी देखने लगेगा। सुना है अभी आप लोगों ने? हाँ, सुना बेटे, बड़ा अच्छा प्रयास किया है आप, बहुत बढ़िया। बंदरिया के तुम तो मछरिया के हम। सोनाली बेंद्रे को भी बंदरिया कहा जाता था। सुबह की वेला है जानकी भैया जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो हृदय तक पहुंच जाने चाहिए। हास के लिए तो कुछ भी गाया जा सकता है, और क्या। आपने भीष्म पितामहें और भगवान कन्हैया के लिए रणभूमि का चित्रण चल रहा है, वहां बता रहे हैं, दुई अम्मा के तुम तो दुई अम्मा के हम, दुई बप्पा के तुम तो दुई बप्पा के हम। कलाकार भैया, कलाकार को चित्रण के हिसाब से तर्ज और चित्रण के हिसाब से ही मर्ज लेना चाहिए। और क्या बेटे, कवि की काव्य शैली ऐसी होनी चाहिए जहाँ
रणभूमि में भगवान अपनी प्रतिज्ञा अपनी प्रण को तोड़ रहे हैं, किसके लिए? अपने भक्त के लिए। क्योंकि भगवान भी कभी कभी नहीं अपने प्रण तोड़ देते हैं भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण कराने के लिए। वहाँ अब हास्य निकालना, दोई बप्पा के तुम, दोई बप्पा के हम, मजा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं लगा। और क्या वंशावली बताई जा रही है। ये कवितावली के रस होते हैं, जहाँ वीर रस हो वहाँ करुण रस अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ करुण रस हो वहाँ वीर रस अच्छा नहीं लगता है। और क्या कविताओं के रस होते हैं, अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, उस तरह से इंसान को लाने का प्रयास करना चाहिए कलाकार को। बड़े भैया ठीक है, आपने जो भी गाया है सुनेगा, बढ़िया बहुत अच्छा। क्योंकि पान खाला मुन्नी कोई खैर नहीं बा, भौजी भाई कि पान खाला मुन्नी कोई खैर नहीं बा, साढ़े तीन बजे ये साढ़े तीन बजे मुन्नी जरूर मिलेना, साढ़े तीन बजे तो हमने देखा तो बज रहे थे 3:40। हमने कहा आप वास्तव में लेट हो जाते हैं, क्या आपको 3:30 बजे गाना चाहिए था। आप 3:30 बजे आ रहे हैं, कब? जब बज रहे थे 3:40। और क्या आपने एक तर्क किया था कल्पना जी, आपने गलत गा दिया, नोटबंदी 8 बजे हुई थी। नोटबंदी 8 बजे नहीं, नोटबंदी का ऐलान घोषणा 8 बजे हुई थी और क्या, लागू आधी रात से ही हुई थी। समझो भाई साहब, बहुत अच्छे। घोषणा रात्रि के 8 बजे हुई थी, लेकिन ये लागू अर्ध रात्रि रात्रि 12 बजे से ही हुई थी। आपने कहा कि 8 सितंबर को नहीं, 8 सितंबर नहीं, वो था 8 नवंबर 2016। और क्या, तभी उस समय एक बहुत चला था 8 नवंबर 2016। भैया जी तब योग चला कि लागू कब हुआ, बोले 9 नवंबर से लागू हुआ, क्योंकि 12 बजे के बाद लागू हुआ तो 9 नवंबर से हुआ। तो लोगों ने योग किया कि 9/11/2016 यानी 2016, 9 और 11 20 20 40 16 56। क्या बात है भैया, आप कोई बात को ऐसे ना कहा करिए जो गलत हो। और क्या, जरूरी नहीं है कि आप ही सही हो सकते हैं। पहले सोचो, समझो, फिर कहो। जितेंद्र भैया, पता नहीं हमने सुन नहीं पाया कौन किस में कम था, कौन किस में आगे था, लेकिन अब सुनिए जवाब, सुनिए। 15,000 की सील रख रहे हो, समझते हो जितेंद्र भैया, कलाकार के लिए हड्डी हो जाती है। और क्या, कलाकार पहले श्रोताओं के लिए गाता है और जैसे ही 15,000 रखे, अरे फिर तो वही दिख रहा है। और दूसरा कब डिफीट खाए वही दिख रहा है, सामने कोई बचा नहीं बचा उससे मतलब नहीं रहता है। ना बचे ना। लेकिन हम लोग फील्ड के लिए नहीं, फील्ड के लिए गाएंगे। तो भैया आप लोगों का प्रेम इतने बना रहता है, अपने आप दे देंगे आप। सुनिएगा, सुनिए बड़े भैया, आपने गाया कि दोई अम्मा के तुम, दोई अम्मा के हम, दोई बप्पा के तुम, एक बप्पा के हम, दोई
बिस्मिता माँ फिर आप मछरिया से तुम तो बनिया से हो कोई नहीं। सुनना जवाब सुनो बंदरिया से तुम मछरिया से हम इसीलिए जमुना किनारे हैं। आदरणीय सुदामा भैया उपस्थित हमारे श्रोता बंधुओं से निवेदन है ये हास भी वहाँ अच्छा लगता जहाँ होना चाहिए और क्या ऐसा मार्मिक प्रसंग गाया हो आपने वहाँ हास लगा दिया। अब सुनिए कहाँ लाया जाता है और क्या कहाँ बैठे कहाँ भीम को अपने बल पर घमंड है। ओहो 10,000 हाथियों का घमंड। भैया जी हनुमान जी महाराज समझ गए कि इनके अहम को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल हनुमान जी महाराज बूढ़े वानर बन के रास्ते में बैठ गए और इधर से भीम फूल तोड़ने जा रहे थे रास्ते में हनुमान जी महाराज की पूंछ लगी हुई है। पूंछ लगी हुई है पूंछ रास्ते में उनके सामने पड़ी हुई है। भीम ने कहा ए बंदर ए बंदर ये पूंछ हटाना जरा ये पूंछ हटाओ और सही में देखा जाए अरे भैया तो लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पूंछ से। पूंछ से रावण को भी बड़ी दिक्कत थी पूंछ से और क्या रावण को इतनी दिक्कत थी पूंछ से यानी उसने अपनी मूंछ और हनुमान जी की पूंछ दोनों को जोड़ लिया। जब भी रावण कहता है कि जाओ उस बंदर को पकड़ के लाओ सेना आती है वापस एक आध दो बच के जाते हैं बोले क्या हुआ बंदर पकड़ा गया बोले नहीं बोले क्यों बोले कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था बोले आगे से नहीं लड़ पा रहे थे तो पीछे से लड़ लेते और क्या बोले आगे से तो थोड़े बहुत टिक भी रहे थे पीछे से टिक भी नहीं रहे थे बोले क्यों बोले आगे तो पता है कि इसकी रेंज इतनी है पीछे से कोई रेंज ही पता नहीं है जाने कितनी बढ़ जाए और क्या पीछे वाले तो बच ही नहीं रहते बोले क्यों बोले पूछ की बात ना करना पूछ की बात मत करना। रावण को इतनी गुस्सा आ गई एक दिन बोला यार कि हम पूछे उखाड़ देंगे और क्या हनुमान जी महाराज बैठे रावण पीछे से आया और 200 हाथों से जोर से पूंछ को पकड़ा और पूंछ को पकड़ा तो हनुमान जी महाराज ने मुड़े नहीं हनुमान जी महाराज उड़े और क्या अब वो 200 भुजाओं से पूंछ बड़ी ताकत से खींच रहा था अब बड़ी ताकत से पकड़े कह रहा था पहले शंकर जी आके पूंछ खींच जाए और अब पूंछ पकड़े अरे शंकर जी आके पूंछ ना खींचे नहीं तो हमारी हड्डी पसली सभी खत्म हो जाए। पूंछ से बड़ी दिक्कत है बड़े भैया जी कई लोग तो कहते हमारी तो कोई पूंछ ही नहीं है उनकी बड़ी पूंछ है उनकी बड़ी पूंछ है ना से लेके वना तक पूंछ है उनकी है यहाँ से लेके वहाँ से लेके यहाँ तक और सही बात है जो भगवान के कार्य के लिए जाते हैं अक्सर उनकी पूंछ बढ़ती ही जाती है। जैसे बाड़ी पूंछ कपी खेला खेल कर रहे हैं हनुमान जी वहाँ पूंछ उनकी बढ़ने लगी क्यों क्योंकि वो राम कार्य कर रहे हैं। अब सुनिए जवाब सुनिए जैसे ही भीम ने कहा यह पूंछ हटाओ हनुमान जी महाराज बोले हम तो बूढ़े बंदर हैं तुम ही हटा दो और क्या तुम ही हटा दो और निकल जाओ क्योंकि अभी टाइम हुआ क्या है 4:08 ही तो हुए हैं निकल जाओ। और जब भीम पूंछ उठाना तो दूर की बात हिला तक नहीं पा रहे हैं और क्या तब चरणों को पकड़ लिया तब पता चला तो भीम नमन करने लगे हनुमान जी महाराज बोले देखो अब कोई कम नहीं कैसे लाया जाता है कैसे कि गदाधारी है हम तो गदाधारी हो तुम
वाले आपके कर कमलों से क्यामत पद मुद्रा है। सूरज दिया नमन कर रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए कि गदाधारी है हम तो गदाधारी हो तुम, बलधारी है हम तो बलधारी हो तुम। तो एक बप्पा के हम भीम करने लगे, पांडु पुत्र है, बोले कैसे हो जाएगा हम तो एक बात के लेके, कि एक बप्पा के हम तो तीन बप्पा के तुम। सब सुवन केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी, कि तू ही अम्मा के हम तो तीन अम्मा के तुम। माद्री कुंती तुम्हारी तो तीन तीन माँ, बोले नहीं इससे कोई टेंशन नहीं है। हनुमान जी महाराज बोले सुनो सुनो, कि पवन वंशज है हम तो पवन अंशज हो तुम। वंश तो एक ही है भैया जी, कि पवन अंशज है हम तो पवन वंशज हो तुम। तो कोई कम नहीं, तो कोई कम नहीं, इसलिए करूं वेलकम। बहुत अच्छे धन्यवाद नमन है। तो कोई कम नहीं, इसलिए करूं वेलकम। तो कोई कम भगत जी आपके कर कमलों से 21 पद मुद्राएं हैं। पैसे की बौछार है हमारे भी नंद किशोर जी, माखन चोर चित चोर और क्या। आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं हैं। सामान्य दादा हमारे सुदामा प्रजापति जी आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं हैं। और हमारे भैया श्री मेजर पंचम लाल निषाद जी करेला बाग बालू मार्केट प्रयागराज से जवाब के लाइन पर 21 पद मुद्राएं हैं। नमन कर रही हूँ, धन्यवाद है। तो कोई कम नहीं इसलिए करूं वेलकम, कोई कम नहीं, भगवान की। छोटा सा प्रयास रहा है।